जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सिविल हॉस्पिटल के ओटी ऑपरेशन थिएटर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 3 माह से यहाँ पर सर्जन डॉक्टर ना होने के बाद ये ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 3 माह कबल एक डॉक्टर हुआ करते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ऑपरेशन हुआ करते थे, यानी कि महीने के अंदर 60 से 65 ऑपरेशन हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो सांगर सिविल हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर ना होने के बायस बंद पड़ा है। मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्जन ओपीडी करता था मरीज़ों की, लेकिन अब ये सारा चीज़ ये मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। जब मेरी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल इंतज़ामिया से बात हुई है, तो सिविल हॉस्पिटल इंतज़ामिया का यही कहना है कि 3 माह से ये सीट खाली पड़ी है। इस हवाले से हमने मुतलका इदारा को आगाह किया है, लेकिन ताहाल इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। याद रहे कि इस ऑपरेशन थिएटर खुलने से कई यहाँ के गिरदोनवा के सांगड़ के मरीज़ इस जो कि ऑपरेशन थिएटर से मुफीद होते थे, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत की लापरवाही के बाद अब ये सांगड़ का सिविल हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर भी 3 माह से बंद पड़ा है।